आपके सामने जगदेव जी महाराज और भैरुन जी महाराज का समाज है सो गाकर प्रवेश करता हूँ। यानी जगदेव जी महाराज और भैरुन जी महाराज दोनों का कैसे युद्ध हुआ था उसका मैं पूरा पूरा सही सलामत जितना मेरे बुद्धि अनुसार मैं गाकर आपको बताता हूँ। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। अकाली मकाली दुर्गा सदम जवाड़ी चंद के मेला
में राजा जयचंद जी के चेड़ी में जगदेव जी महाराज जावे। जगदेव जी महाराज जा रहे, हे राजन आपकी अन्न भी घना है धन भी घना है, यानी आपके मुख पर उदासी क्यों छा रही है, क्या बात है? हे बताओ मैंने। राजा जयचंद कहने लगा, जगदेव मैं क्या बताऊं, कहूं तो लाज घनी आवे, यानी मैं देश दीवानी राजा हूँ, परंतु मेरा कोई बस का सौदा नहीं है। क्या बात है महाराज, किस चीज की उदासी है आप मुझे बताओ? मारे उदासी इस चीज की है, यानी आपसे टुकड़ो आदमी हुआ वो भी कौन व्याग्र है, यानी एक राक्षस आने लग रही है मेरे महल के अंदर, तोप लगा रखी है, मैं पहरादार घनाई खड़ा रख दिया, दानो पकड़ियो कोई नहीं जावे, परंतु कठकर आवे बोर किया जावे माने तो पता ही कौन चालन लाग रही है। राजा जगदेव जी महाराज देख रहे, बोले महाराज आ नौकरान थे क्या के वास्ते खाना खिलान लग रही है, वो टाइम को डेढ़ डेढ़ किलो अन्न खान लाग रही है, जद आऊ पकड़ियो ही कोई नहीं जावे तो अन्न क्या मराग रखे है। सूरज रसाने नीर अपन हो थाने जे कह तो सूरज रसाने नीर अच्छो है बाबी मुखरामा। कहने लगा जगदेव जी महाराज आप बता दो महाराज, यहाँ काम करो, ये जितना भी आपका नौकर है जितना को सारा को छुट्टी दे दो, वाह, और आपके महल का फेरा और आपका फेरा आपके चौक का फेरा जगदेव जी पंवार देगा। बोलिए सूरवीर की जय हो। जगदेव जी महाराज आपका हथियार ले गए, सब नौकरों को छुट्टी दिला देवे और चौक के अंदर खड़े जावे। बोले हाँ मैं देखूंगा क्या कौन सा वो आएगा। जिस टेन ने क्या जगदेव जी महाराज हथियार लेकर खड़ा रहे और कैसे आगे शुरू हुए। वाह हा सस तेरे पाती जगदेव चौक में खड़े गो
से हो। हाँ तो प्रेमियों, जगदेव जी महाराज राजा जयचंद ने कहे, महाराज आपका ये नौकर है, इनको सबको छुट्टी दे दो और आपके महल का पेरा मैं देऊंगा। वाह, जिन टाइम में सारे नौकरों को छुट्टी दिला दी, राजा जगदेव जी महाराज आपका हथियार ले गए और चौक के अंदर खड़े गया। बोले आज मैं देखूंगा कौन आने वाला है वो। तो जिन टाइम में भैरू जी महाराज धोलागढ़ से उड़ने घोड़े पर सवार हो गए, सीधो ही घोड़ो ले आ गए मेला के अंदर, उतार दियो भाई। वाह भाई, उतारियो। और जगदेव जी महाराज देखियो, अरे बेचारा ए आने के पकड़े, इरो तो रास्तो ही ऑटोमेटिक दूसरो ही है। वाह, उड़ने कटोरो आवे। जिन टाइम में जगदेव जी महाराज मन में सोचा वो क्या करेगा, देखा तो सही। वाह, भैरू जी घोड़ा उतार गए और मेल खानी जान लागो। जकटे में जगदेव जी महाराज ललका रहे, आप कहाँ जा रहे हो? ए बिना पूछे ही। बोले चुप रहो, कौन हो आप? बोले मैं हूँ जगत सन बेरो गाल दूंगा। आप कितना दिन से यहाँ आ रहे हो? बोले ये राजपाट भी हमारा ही है, आप कौन हो हमारे साथ में बोलने वाला? वाह, भैरू जी महाराज ने जगदेव जी कहने लगा, देख भाई तुम बोलो बोलो वापिस गिर जा। वाह, सदाणी बात आज कहानी है। ए। बोले तो कौन सी है, या तो तू नहीं है या मैं नहीं हूँ। बोले जन आजा फिर, टेम क्यों लगा भाई? हाँ मैं बिता ही लो आपने। जगदेव जी महाराज क्या फिर टेम क्या है, हट जा परे रो रे, तू नौकर का लड़का बिना गुने मारियो। वाह जावे लो भाई। जगदेव जी महाराज क्या, मैंने नौकर करने वाला तो आज तक कोई मिलो ही नहीं। भैरू जी कह मैं रे हो, अरे दोनों आपका भाई भाई युद्ध ले लड़ने के लिए तैयार हुए। जटे चुड़ेरी जन टाइम में भैरू जी महाराज कहने लगा, आप ऐसे करो आपका हथियार है ये पर रख दो और आपके दो दो हाथों की आजको सामू दिखा दो। वाह जगदेव जी महाराज आपका हथियार तो पर फेंक दे वे और भैरू जी के साथ में घोड़ मांड ले वे। और देखो आगे होने वाले टाइम में थोड़ी सी गिरेगी, मैं जल्दी जल्दी पूरा करना चाहता हूँ। वाह सुन जो ध्यान लगा नंद नावे भाई। हाँ सस तेरे पाती तेरा रे पर ने बगा दे ले।
आपने क्या काम किया जगदेव जी और भैरू जी? आपका हथियार तो दूर फेंक देवे और आता हूँ दोनों भाई कुश्ती लड़न लाग जावे। जाके टेम में जगदेव जी महाराज रिसा में आगे ले भानी को नाम और भैरू जी ने ध्रुव धनी पट गयो। ए पटकता डावड़ो गोडो क्यों ना उतर जावे? गोडो उतर गयो ऊपर जगदेव जी महाराज हाथ देख ले बोले बोल क्या चावे? बोले चाहू तो मौके सी आवन देख ले सुहा जावे तू। वाह बोले अभी कर दू टेम ही कौन लगाऊ? भैरू जी महाराज कहने लगा आपका नाम क्या है? बोले मेरो नाम जगदेव है। ए भैरू पटकड़ो भैरू जी कहने लगा ओ नाम तो मन माई बतायो कह तू कदे ही वास्ते जगदेव के साथ युद्ध मत करी भाई मैं भूल गयो तेरो गांव बता दे नाम बता दे और जठे भी तेरो नाम और गांव सुन सी बटे मैं नजदीक को नहीं आऊं। भैरू जी महाराज ने गांव बतावे जगदेव जी महाराज धारा नगरी मेरो गांव है। वाह राजा रणधौल सिंह गांव वो तो हूँ देरो है तने। बोले महाराज अब मन ठा लाग गयो तो कहने लगे गांव बतावे और तिला काम कटावे। ए लाख रगड़न जमीन में तीन तीन तिला काट दे। बोले तीन तिला की बात करो मैं सात तिला काट दे थारो नाम सुनू बैठे भी कौन आऊ? नाम मेरो जगदे है धारा नगरी मेरो गांव है। जगदे जी मारो नाम है जादरा कुमार। अबे कहने लगा जगदे जी महाराज कह जाओ कोई बात नहीं। भैरू जी मन में सोचेगा अबे मैं कह भी दू जाऊ पग तो मारो साबित है नहीं तो इसीलिए मैं तो पूग नहीं सको तो बट बैठे ही बिलाप करे और के दौड़ागढ़ बैठी भानी नीगे लगावा के भी आज भैरू ने हाथ लाग गया है। वाह बोल जगदम्बे मैया की जय हो। जावा ओ
सारी पर हो गए और धोड़ागढ़ ने आगे आगे रोने लग गए। माता माने जगदेव जी मारियो है। तब माता कहने लगी, भेरू जो जगदेव जी तो मैं आपने पहले ही बताया था कि तुम उनसे झगड़ा मत की। बोले माता मैं क्या करूं, मेरा झगड़ा हो चुका। ए भूली बेगी, मेरो भूली में झगड़ा हो गयो, पर माता यहाँ काम करे, मैंने मिठाई ले आ दे, मैं सारे शहर में मिठाई बांटूंगा क्या मैंने आज जगदेव जी कुट्यो। बा कहने लगी, माता घर की माया बेटा, घर की बदनामी, करामात घट जावे। भेरू ऐसा काम आपा कौन करना। बोलो नहीं माता, या मैंने जगदेव को शीश लिया दे तो तेरो और मेरो सागो हो सके, नहीं तो मैं कहीं कुएं में गिर कर मर जाऊंगा। माता कहने लगी, नहीं भेरू ऐसा काम कभी नहीं कीजिए। बोले माता मैं जहर खाकर मर जाऊंगा, मैं आपका शेर कभी नहीं डरूंगा, कभी आपके कहने नहीं चलूंगा। परंतु बेटा बात ऐसी है, माता कहने लगी, बात ऐसी है भेरू, अगर तेरे ज्यादा इंद्राजी है तो वो तो मेरे प्रेमी सेवक है और उनका शीश मैं दिखा सकती हूँ। वाह, और यानी मैं आपके हाथ में नहीं दूंगा। भेरू देख रहे, बोले माता मेरे पिछन तो कमी है, फिर मन में विचार करियो कसीस काट ले जरा कृष्ण घोष ले जावा। वाह, और आपने की है तो अभी दिखान भेरू जी देवी के साथ में कैसे समाज करने लग रहे हैं और क्या अपनी राम सभा सुने। वाह भाई, हाँ ध्यान दर कर सुनना प्रेमियों, कोई भी मैं अगर से गलती से कोई दर्द अक्सर हो तो आप सब समझदार हो, सुधी से उसको सुधी कर लेना और भूलिया हमारे को भी बताना, मैं भी आपका एक बालक हूँ।
यानी मैं तेने हाथ में नहीं देऊं। भैरू जी मन में विचार करो आपनो के लिए मरा तो देवा की तो आपनो बदलो आयो हो सी। जिन टाइम में समय की बात है भवानी क्या काम किया कई दिन आगा घाल गए और भैरू जी महाराज सागे बात सी जियोड़ी कह भी आप शीश तेने दिखाऊंगा जरूर। जिन टाइम में जगदेव जी महाराज को जाचन के लिए और भैरू जी महाराज ने धीरे धीरे परचागे और कैसे कजली बन में जाने लग गई और भैरू जी महाराज को कहने लगी है भैरू आपने शेर ने क्यों श्रृंगार लिया नहीं आप कोई रमणी करके आवा तो दुकान किन प्रकार से देवी केवे और के आगू भैरू जी महाराज केवे और कई माता बन जावे और बन जासी मैं टेवी कौन लगाऊ Yeah.
करवाया पा Thank you.
कहा तो प्रेमी हो। अभी सखी कहने लगी, तू अपनो शेर श्रृंगार और आप शंकर भगवान मिलने के लिए चलांगा। मन में सोचियो, भैरू जी महाराज कहने लगे, माता शंकर भगवान कहाँ रहता है? बोले कजली बन में, कैलाश के ऊपर। वाह माता, कजली बन में राक्षस बहुत है, मन डर लागे, क्या पता केशव दानो मिल जावे। थारे सागे बेटा काली काली मारे थकांडर, क्या नो लागे? क्या नो लागे? पान पान में मैं कर दू, हाँ डाड़े डाड़े पर बेटा भैरू कर दू पान पान में कंकाली। भाई मेरे थका कोई डरने की जरूरत नहीं है। शेर श्रृंगार, शेर ने श्रृंगार गई, शेरा वाली ऊपर चढ़ गई और भैरू जी महाराज आगे आगे वीरिया 52 भैरू 64 जोगड़ी साथ में लेकर भवानी माँ कजली भी निखानी चाले है। कदे ही वास्ते इंसान जो कोई समझो जावे एक काम जावे और साथ में यहाँ तो 3-4 काम कर लियावे, उसी का नाम छत्री है। ए समझदार, या तो दवा पर में दिवसन गयो एक काम, और देखो अपने अपने सब लोगों को याद है कि यहाँ तो साथ में 2 काम करके लिया हो। ये हुआ ही है, तो इसी बात से जगदम्बा माता गई तो थी किसी लिए कह शंकर भगवान मिलने के लिए। वाह, और यानी रास्ते में मन में सोचो भगवंती माँ कि आप चौपड़ पास आरा मिले तो भी ठीक है। तो दखान के कजली बन में जागे भैरू जी महाराज ने कह हे भैरू आपने यहाँ काम कर अट हिंडो मंडा और अपा हिंडे हिंडांगा। भैरू जी कहने लगे माता बन के अंदर कभी हिंडा मंडिया? बोले नहीं बेटा, हिंडो मानना जरूरी है, परंतु मेरी बात तुम पूरी पूरी सुने, अगर तुम परीक्षा लेनी है तो मैं कहूँ जू जू चालनो है। वाह बोले माता कह जू जू तो चाल जू, मैं मिंगो शीश जरूर देखूंगा। आ सोच ली बात, जगदम्बा कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, मैं शीश दिखा दूंगा, पर कोई बात को नहीं, तू बात छोड़ दे आ, और तू मैं कहूँ जो काम तो कर तो श्री तो खान किन प्रकार से तो देवी हिंडो मंडावे है। ए अरे बाग में कजली तो बने में भैरू रे, तीन बजाने आप जान खातर है। आ कजली तो बने में भैरू ओ पिंडो मंडावो रे, बन नहीं बेटा रे हिंडो मंडावो देवी डोरे खेला मारा।
सनन को वेरुए पिंडो मनावाए आयो रे वेरुए हिंडो मेंडा जोवरा अबे रे सबके हिंडो कारोनी के मिलवा संकरे आयो वो